हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक्सेल के अंदर हम सिग्नेचर लाइन किस तरीके से बनाते हैं। जो हमारा सिग्नेचर लाइन है, इसका यूज एक्सेल में किस तरीके से होता है, ये आज हम सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुँच सके और आप उन वीडियोस को देखकर कुछ और नई चीजें एक्सेल के अंदर सीख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना एपिसोड के सिग्नेचर लाइन हम किस तरीके से एक्सेल में बनाते हैं। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि जैसा कि ये मेरे पास एक सीट ऑलरेडी मैंने बना रखी थी पाई चार्ट की, ठीक है। इस पाई चार्ट वाली सीट पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिग्नेचर लाइन किस तरीके से यूज हुआ। मोस्टली सिग्नेचर लाइन का यूज होता क्यों है, पहले हम ये समझ लेते हैं। दोस्तों, सिग्नेचर लाइन का यूज हम तब करते हैं जैसे कि आप किसी कंपनी में वर्कर हैं और आप वहाँ जॉब कर रहे हैं और आपने कोई भी एक डाटा बनाकर अपनी मैनेजर को या डायरेक्टर जो भी हैं आपके सीनियर उनको आपने दिया, ठीक है। लाइक जैसे मान लीजिए डाटा एंट्री की आप जॉब करते हैं, तो आपने एक डाटा क्रिएट किया और वो डाटा आपने उन्हें दिखाया और उन्होंने वो डाटा फाइनल कर दिया। तो डाटा फाइनल करने के बाद वो उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि सिग्नेचर कर दिया तो वो डाटा जो है हमारा वो फाइनल हो गया और अब हम उसके अंदर कोई भी एडिट नहीं कर रहे, एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्टली सिग्नेचर का यूज होता है कंपनीज के अंदर, ठीक है। यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने एक डाटा बना रखा है, मैंने जैसे बताया ये पाई चार्ट का मैंने एक डाटा बना रखा है जिसके अंदर मैंने एंड्रॉइड यूजर, लैपटॉप यूजर और विंडो यूजर ले रखे हैं और मैं ये जो डाटा है ये मेरा मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब ये जो डाटा मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो मैं करवा दूँ या कर दूँ ताकि इस सीट को या इस डाटा को कोई भी एडिट नहीं कर सके। अभी आप देख रहे हैं फिलहाल, जैसे यहाँ विंडो यूजर 10,000 हैं तो मैं चाहूँ तो इसे 9,000 भी कर सकता हूँ। देखिए, मैं इसे एडिट कर रहा हूँ तो ये एडिट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे सिग्नेचर कर दूंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एडिट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। आपको इंसर्ट में सबसे राइट में जाना है और यहाँ देख रहे हैं आप सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सिग्नेचर लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है सबसे पहले सजेस्टेड सिग्नेचर, फॉर एग्जाम्पल जॉन डॉन। मान लो कि आपको सिग्नेचर जो है वो किसके कराने, सपोज दैट मान लो आपको डायरेक्टर के सिग्नेचर कराने, तो सबसे पहले आप यहाँ डायरेक्टर का नाम लिख देंगे जो भी डायरेक्टर होगी, ठीक है। मान लीजिए हमारी जो डायरेक्टर है उनका नाम है दीप्ति, ठीक है, दीप्ति राजपूत, ठीक। और यहाँ आ रहा है सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल, कौन है, डायरेक्टर है तो आप यहाँ डायरेक्टर, और अगर मैनेजर है तो मैनेजर, ठीक है। यहाँ डायरेक्टर लिख दिया मैंने, किसी डायरेक्टर है तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा। और यहाँ पर क्या रहा है, सजेस्टेड सिग्नेचर्स ईमेल एड्रेस, अगर कोई उनका ईमेल एड्रेस है तो आपको यहाँ दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे देता हूँ lcstn@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक ईमेल आईडी दे दिया। अब उसका सिंपली मैं यहाँ कर दूंगा ओके। जैसे ही आप मैं ओके करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक सिग्नेचर बनकर आ गया है और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर के नीचे दीप्ति राजपूत जो डायरेक्टर है और यहाँ एक्स का एक साइन है। यहाँ पर हमें क्या है फ्रेंड, सिग्नेचर अपना बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स ओपन हो गया है और अभी हम इसके अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख रहे हैं सबके सब अभी विजुअल हैं, जितने भी हमारे ये पॉइंट्स यहाँ रिबन दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम सिग्नेचर बना देंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे क्लिक नहीं होंगे, ठीक है, सबके सब अनव्यूज वो हो जाएंगे, हाइड। तो देख रहे आप ये है, तो इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया हमने तो यहाँ पर आ रहा है सिग्नेचर सेटअप और फॉर्मेट, तो हमें सिग्नेचर सेटअप पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सेटअप पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमने सजेस्टेड सिग्नेचर नेम और सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल और जो ईमेल आईडी दे रखी थी वो भरा हुआ है। इसे आपको कर देना अलाउ पर क्लिक, अलाउ द सिग्नेचर टू ऐड, ठीक है, कमेंट्स इन द सिग्नेचर डायलॉग पर क्लिक करके और ओके कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर सिग्नेचर बनाते हैं। सिग्नेचर बनाने के लिए आपको करना है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ये लिखा है साइन, साइन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का साइन का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अंदर ये देख रहे हैं एक्स के सामने यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है हमारा कर्सर। यहाँ पर हम सिग्नेचर का नाम भी दे सकते हैं, जो भी हमें मतलब नाम लिखना है, ठीक है। पहले मैं आपको नाम से बता देता हूँ और उसके बाद हम चाहे तो सिग्नेचर की, जैसे आपने कोई इमेज है वो स्कैन करके रख रखा है, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इमेज के तौर पर, ठीक। पहले मैं नाम के साथ आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ सिग्नेचर में मैं जस्ट नेम लिख देता हूँ। मान लीजिए सिग्नेचर ये करती है दीप्ति राजपूत, ठीक है, इन्होंने ऐसे दीप्ति राजपूत लिखा और यहाँ पर मैंने साइन पे क्लिक कर दिया, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैं साइन पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स के सामने यहाँ दीप्ति राजपूत जो है ये लिखा हुआ आ गया, मतलब ये इनका सिग्नेचर है।
और ये हमारा सिग्नेचर हो गया। अब मैं यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे राजन शर्मा लिखा हुआ है, और मैं इसको यहाँ क्लिक करके और यहाँ से सिग्नेचर अगर मुझे रिमूव करना होगा तो मैं यहाँ से जो सिग्नेचर है इसको यहाँ सिग्नेचर रिमूव पर क्लिक करके और यस कर दूंगा, तो क्या होगा जो सिग्नेचर है ये सिर्फ हमारा जो है डिलीट हो जाएगा और ये साइन बॉक्स जो है हमारा सिग्नेचर का वो ऐसे ही रहेगा। तो मैं इसे यस कर देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे सिग्नेचर जो थे दीप्ति राजपूत के वो यहाँ से हट गए। अब हम चाहते हैं कि नहीं इसकी जगह सिग्नेचर का कोई स्कैन कॉपी हो जो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको सिलेक्ट इमेज लिखा है, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करने बाद आपका कंप्यूटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा जहां से आपको अपनी फाइल लेनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से किसी की सिग्नेचर ले रहा हूँ, सपोज दैट मैंने ये सिग्नेचर ले लिया और मैं यहाँ से इंसर्ट सिलेक्ट करके और इसे यहाँ पर साइन पर ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं देखिए जैसे साइन करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये ओके कह रहा है और ये देखिए साइन जो है मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो ये जो मेरा सिग्नेचर है सर फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे रिबन्स में जो है सारे के सारे क्या हो गए, हमारे शो नहीं हो रहे यहाँ पर सही तरीके से। देखिए सबके सब हमारे कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा ये क्या हो गया है, फाइनल हो गया है। इसके अंदर हम कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं एडिट कर रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी एडिट नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी मैं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कहीं भी कोई भी एडिट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जो भी हम डाटा या डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो अगर वो फाइनल हो जाता है तो फाइनल के बाद हमें सिग्नेचर करा लेने होते हैं अपने डायरेक्टर से, मैनेजर से, या जो भी आपका टीम लीडर है, जिस किसी भी जो भी आपके सीनियर है उनका अपना इस तरीके से सिग्नेचर करा सकते हैं एक्सेल शीट में। तो ये शीट सिर्फ विजुअल रहेगी और इसके अंदर हम कोई भी एडिट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको एडिट करना होगा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जाएगा और यहाँ से जो सिग्नेचर है रिमूव सिग्नेचर इस पे आप क्लिक करके और यहाँ से यस और ओके कर देंगे तो ये सिग्नेचर गायब हो जाएगा और अब आप यहाँ से अपना जो भी है आप यहाँ से इसको रिमूव या एडिट इस तरीके से अपने सीट को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सिग्नेचर को हम किस तरीके से एक्सेल में बनाते हैं, सिग्नेचर लाइन। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है या कोई ऐसा पॉइंट्स हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो सिंपल हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के सबसे नीचे यहाँ कमेंट सेक्शन में आए और जो भी आपके डाउट्स हैं फ्रेंड्स आप यहाँ कमेंट्स करके हमें बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स को देखता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन हो गए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।